है आपका एबीपी गंगा में, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। प्रदेश एट 360 देख रहे हैं आप और अब शुरुआत करेंगे खबरों की। गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामले में दो आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह और दारोगा अक्षय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पुलिसकर्मियों पर कानपुर के कारोबारी की पीट पीट कर हत्या का आरोप है और ये जब से घटना हुई थी तभी से फरार चल रहे थे। इन दोनों पर ही 1-1 लाख रुपए का इनाम पुलिस की तरफ से घोषित किया गया था और अब इन्हें गोरखपुर के रामगढ़ ताल इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इन दोनों के अलावा 4 और आरोपी हैं जिन्हें अभी गिरफ्तार करना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। तो आपको बता दें कि गोरखपुर के मनीष गुप्ता हत्याकांड में सफलता पुलिस के हाथ लगी है और 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जगत नारायण सिंह आरोपी थाना प्रभारी और आरोपी चौकी प्रभारी अक्षय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का वक्त बचा है, ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन किस पार्टी की क्या है तैयारी और कौन पड़ेगा किस पर भारी, यूपी चुनाव की हर खबर देखिए एबीपी गंगा पर पिच तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक विधानसभा चुनाव 2022 के लिए AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में पूरा जोर लगा रहे हैं, जगह जगह रैली और जनसभा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में ओवैसी ने बलरामपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लखीमपुर कांड को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसलिए नहीं हटाते क्योंकि अजय मिश्रा का ताल्लुक ऊंची जात से है, आला जात से है। इसीलिए नरेंद्र मोदी बोले नहीं नहीं चुनाव आ रहे आला जात के ऊंची जात के और नहीं मिलेंगे, इनको हम बचाएंगे। अगर आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता तो क्या बुलडोजर नहीं चल जाता उसके घर के ऊपर। उधर यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि जनता के प्यार से नेता बना जाता है, हम फॉर्च्यूनर गाड़ी से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि आपके व्यवहार से ही वोट मिलेगा। लखनऊ में अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि हम नेतागिरी करने आए हैं, किसी को लूटने नहीं। नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिले मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा। इसलिए पार्टी में काम करते हैं, यानी कि मोहल्ले वाले आपके शकल से छिप जाए। लखीमपुर कांड को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत लगातार भाजपा पर हमलावर हैं। शामली दौरे पर उन्होंने एक बार फिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की मांग की, साथ ही आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी पर भी बयान दिया। जब तक गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देगा कोई भी पुलिस अधिकारी जाँच में सही नहीं कर सकता। उनका इस्तीफा, उनकी गिरफ्तारी, आगरा की जेल में बंद हो, मासद 8-10 दिन बाद में उनको रिमांड पे ले और उसके बाद में वे तोते की तरह बापू बेटा बताएंगे कि हमारे गैंग में कौन कौन शामिल थे। जैसे 12 घंटे की पूछताछ हुई है उसमें कुछ नहीं हुई, इसको काफी आज जो खा के पूछताछ होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 चुनाव का मोर्चा खुद संभाल लिया है और पिछले 3 दिनों से लगातार सीएम योगी प्रदेश के हर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का फीडबैक ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम आवास पर गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों और विधायकों के साथ सीएम योगी ने बैठक की। उसके बाद सीएम ने काशी क्षेत्र के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें सीएम योगी जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र की विकास योजनाओं की जानकारी के साथ ही चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा कर रहे हैं।
और गोरखपुर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में उन्होंने क्या कहा, आइए आपको हम ये बता देते हैं। देखिए, सीएम की तरफ से इस बैठक में कहा गया कि प्रदेश सरकार ने बाढ़ और कोरोना का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रदेश की हर विधानसभा में करोड़ों रुपयों के विकास कार्य हुए हैं। विधायक अपने अपने क्षेत्र में सरकार के काम का प्रचार करें। प्रदेश में विश्वास का वातावरण सरकार की बड़ी उपलब्धि है। सकारात्मक भाव, बेहतर समन्वय के साथ टीम वर्क से अच्छे परिणाम आएंगे। किसान, नौजवान, महिला सरकार की नीतियों का आधार है। वहीं विधायकों और सांसदों ने पीएम और सीएम के काम को सराहा। आपको बता दें कि भाजपा दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाए। और 2022 चुनाव को लेकर अब सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है। इसी बीच वोट के लिए नोट का खेल भी शुरू हो गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि बीपी गंगा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दरअसल डिबाई विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे और फिर चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे गुड्डू पंडित का नोट बांटता हुआ वीडियो वायरल हुआ है। खेतों में और सड़कों पर काम कर रहे लोगों के बीच 100-100 रुपए के नोट बांटते नजर आ रहे हैं गुड्डू पंडित। तो गुड्डू पंडित जो अक्सर अपनी दबंगई को लेकर चर्चा में रहते हैं और डिबाई क्षेत्र से ही कई बार विधायक रह चुके हैं, एक बार फिर से ताल ठोकने की कोशिश गुड्डू पंडित की तरफ से है। और यही वजह है कि अब वोटर्स को लुभाने के लिए हर एक अस्तकंडा अपनाना शुरू कर दिया है उन तमाम लोगों ने जो इस चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि वीडियो एक वायरल हो रहा है, हालांकि एबीपी गंगा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर तमाम विधायक और नेता क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। भाजपा विधायक सत्यवीर त्यागी किठौर विधानसभा के पसवाड़ा गांव पहुंचे, जहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध करते हुए काला झंडा दिखाया और इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। यूपी में धर्मांतरण कानून के बावजूद यहां इसी तरह की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। बस्ती से एक और ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। सदर कोतवाली के कटरा निवासी एक शख्स ने इरफान और उसके घर वालों पर आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को बहला फुसलाकर अपहरण किया गया और फिर उसका धर्म परिवर्तन करवा रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इरफान ने खुद को हिंदू बताते हुए अपना नाम यश बताकर उनकी बेटी को धोखा दिया। पीड़ित ने इस मामले में इरफान और उसके घर वालों के ऊपर केस दर्ज कराया है। इस बीच शिकायतकर्ता की बेटी ने फेसबुक पर वीडियो डालकर अपने पिता के ही दावों को गलत साबित कर दिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है। मेरे घर वालों को जब इसके बारे में पता चला और हमसे पूछे तो हमने बताया कि हाँ, हम इस लड़के से प्यार करते हैं, मेरा इनसे शादी कराओगे, तो मेरे घर वाले इनको जान से मारने की धमकी दी। कहीं आज के बाद इस लड़के से बात ना, मेरी जबरदस्ती शादी का ही और करा रहे थे। मेरा धर्म पर, हमने अपना धर्म परिवर्तन अपना नहीं किया है जो कि इनका करवाया है धर्म परिवर्तन। ये लड़का हिंदू, इनके साथ हिंदू के साथ शादी किया। हिंदू थाना कोतवाली के कटरा क्षेत्र रहने वाले कमल कुमार जायसवाल जी ने थाना कोतवाली पर एफआईआर दी है कि उनकी बेटी रूही जायसवाल को 3-4 लोगों ने अपहरण कर लिया और उसका धर्मांतरण का प्रयास कराया है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि किसान नाम का युवक और उनकी लड़की रूही जायसवाल ने हाईकोर्ट में अपने शादी के संबंध में एक रिट जारी की, जो बाद में उन्होंने इसलिए वापस ले ली कि उनका धर्मांतरण नहीं हुआ है लीगल तरीके से। अभी ये लड़का लड़की अपने पेरेंट्स से दूर हैं। मऊ में धर्मांतरण की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस कुछ लोगों को पकड़कर पूछताछ कर रही है। मामला शहादतपुरा क्षेत्र का है, जहां रोडवेज के पीछे राजभर बस्ती में विजेंद्र राजभर के घर में सालों से पादरी प्रार्थना सभा का आयोजन कर रहा है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा था, जिसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर मौजूद पादरी समेत 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मामले की जाँच कर रही है।
नोएडा के सेक्टर 62 के पास पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लूट की 9 मोबाइल और बाइक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक घायल बदमाश दीपांशु आशु जाट गैंग का सदस्य है। दरअसल दोपहर में पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक सवार दो संदिग्धों को पुलिस ने रोकने को कहा, लेकिन बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें दीपांशु नाम के बदमाश को गोली लगी, जबकि उसका दूसरा साथी भी पकड़ा गया। देखिए एसीपी सेकंड और सेक्टर 58 की टीम ने आज फिर एक स्नैचर को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। स्नैचर गैंग है ये, इसमें दो बदमाश आज पकड़े गए हैं। एक जब इसकी घेराबंदी की गई तो घायल भी हुआ है, इसको हम लोगों ने तत्काल अस्पताल भेजा है। जो घायल हुआ उसका नाम दीपांशु है और जो कॉम्बिंग में अरेस्ट हुआ उसका नाम अमित है। बेसिकली ये दोनों साथी स्नैचर्स हैं, इनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे हैं और ये NCR के सभी जिलों में लगभग स्ट्राइक करते रहे हैं। इनकी पोजीशन से 9 मोबाइल बरामद हुई है, एक बाइक बरामद हुई है, बाइक भी संदिग्ध लग रही है और असलाह बरामद हुआ है जिससे हमारे टीम्स पे अटैक कर रहे थे। चंदौली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एम्बुलेंस में अवैध शराब पकड़ी, शराब तस्कर इसे बिहार ले जा रहे थे। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस को एम्बुलेंस में 391 बोतल अंग्रेजी शराब और बियर के 132 कैन मिले हैं। दरअसल धीना पुलिस जनौली गांव के पास चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी एम्बुलेंस का ड्राइवर गाड़ी भगाने लगा, जिसके बाद पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। पकड़े गए मारुति वैन पर एम्बुलेंस लिखा था और हूटर भी लगा हुआ। बद्रीनाथ यात्रा एक बार फिर श्रद्धालुओं से गुलजार हो गई है। बद्रीनाथ धाम में पुरानी रौनक वापस लौट आई है। भगवान बद्री विशाल का मुख्य मंदिर अद्भुत दिखाई दे रहा है, वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। हालांकि कड़ाके की सर्दी हो रही है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में जरा भी कमी नहीं है। हल्का अंधेरा होते ही भगवान बद्री विशाल का मंदिर पीली लाइट्स के बीच चमकता हुआ नजर आ रहा है। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट रविवार दोपहर 1:30 बजे शीतकाल के लिए बंद हो गए। सुबह 9 बजे से हेमकुंड साहिब स्थित गुरुद्वारे में शबद कीर्तन शुरू हो गया, जो दोपहर 12 बजे तक चला। उसके बाद 12:30 बजे इस साल की आखिरी अरदास हुई। दोपहर 1 बजे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का हुकूमनामा लिया गया और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को पंजाब से आए विशेष बैंड की धुन के साथ पंच प्यारों की अगुवाई में दरबार साहिब से सचखंड साहिब में लाया गया, जिसके बाद हेमकुंड के कपाट बंद कर दिए गए। गंगोत्री नेशनल पार्क खुलने के बाद से 1 महीने के भीतर ही पार्क को 7.5 लाख रुपए का राजस्व मिल चुका है। 1 महीने के भीतर गंगोत्री गोमुख तपोवन पैदल ट्रैक मार्ग पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे। देने के बाद जो है पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है और माह सितंबर और अब तक अक्टूबर के इस 8 तारीख तक जो स्थिति है उसके अनुसार लगभग 7.5 लाख तक हमको राजस्व प्राप्त हो चुका है। और अगर पर्यटकों की संख्या की बात करें तो लगभग 3,235 लोग जो है माह सितंबर में गए थे। रविवार के दिन भी सीएम पुष्कर सिंह धामी के ताबड़तोड़ दौरे रहे। एक तरफ चमोली में सीएम पुष्कर सिंह धामी भाजपा युवा मोर्चा की कार्य समिति में शिरकत करने पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार के लक्सर में सीएम धामी की जनसभा हुई। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीएम चमोली पहुंचे और सीएम धामी हरिद्वार के लक्सर भी पहुंचे। आराम आराम से बढ़ते रहेंगे। और सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली के गोपेश्वर पहुंचे। इस दौरान पुलिस जवानों ने मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पीजी कॉलेज मैदान के जिम हॉल में भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उधर बीजेपी युवा मोर्चा की कार्य समिति में भाग लेने के बाद सीएम जनता मिलन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। उसके परिवेश में चाहे कोई युग रहा हो, उसमें युवा नौजवान उनका हमेशा समर्थन बोल रहे हैं, चाहे राम का युग रहा हो, चाहे भगवान कृष्ण का युग रहा हो, हर युग, और चाहे हमारा उत्तराखंड बना है उसमें भी नौजवानों ने उत्तराखंड बनाने का काम किया। और निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारा 25 साल का जब ये प्रदेश होगा
तो हर क्षेत्र में ये देश का अग्रणी प्रदेश होगा, आदर्श प्रदेश होगा, नंबर वन प्रदेश होगा। हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपने ये मेरे संज्ञान में पहले भी आ गए। और केंद्रीय सड़क और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह एक दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीआरओ और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग की। जनरल वीके सिंह ने कहा कि धारचूला से लिपुलेख तक नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है ताकि चीन बॉर्डर तक कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में चीन सीमा से लगते गाँव तक भी सड़कों की व्यवस्था बेहतर की जाएगी। राजमार्ग का रूप किया जाएगा, पिथौरागढ़ से लेकर सुखों लिपुले पास तक ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ भी कठिन है, साथ में नदी भी है, साथ में वहाँ पर गांव बहुत छोटे हैं और वो गांव जब खासकर जब बारिश ज़्यादा पड़ती है तो उनका पलायन हो जाता है हमारे, तो ये दिक्कतें बहुत हैं। इन सब दिक्कतों को देखते हुए हमारी कोशिश ये है कि ये राजमार्ग ऐसा हो जो पूरे साल इसके ऊपर लोकमार्ग चल सके। जो भी इसके लिए सामान की आवश्यकता है, रोड बनाने के लिए हम उसमें पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उस सामान को, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बर्फ हटाने के लिए उनको और आधुनिक उपकरण दिए हैं और आने वाले समय में इसके ऊपर और चीज़ें इसमें जुड़ती थी। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जनता ने मैंने कहा मन बना लिया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड का शासन करने के लिए फिर से हम जिम्मेदारी देंगे। जब ये मन बन गया जनता का तो वो 100% यहाँ पर साकार होगा, हमारी सरकार बनने जा रही है। सब ठीक हो गया है, माननीय योगी जी ने सबसे बात कर ली है, किसान हमारे हैं, जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, सारे किसान हमारे हैं। थोड़ी सी कहीं ना कहीं गलतफहमियाँ हो रही हैं, मोदी जी जैसे व्यक्ति जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं वो कभी किसी का अहित कर ही नहीं सकते, ये तो सबको सोचना चाहिए किसान भाइयों को। विपक्ष जो बात जो विपक्ष बार बार साख हराम कर रहा है तो न्योता दिया है कि सदन के अंदर आप आइए, आप बहस करिए, जब कोई आते ही नहीं तो क्या किया जाए। इसलिए कोई बात नहीं, देर सवेर हमारे किसान भाई सब समझेंगे। नानकपत्ता मंडी समिति में धान खरीद की बोली ना लगाए जाने से नाराज किसानों ने हंगामा कर दिया। किसानों का कहना है कि आढ़ती उनके धान में नमी होने की बात कहकर ज्यादा कटौती काट रहे हैं। सूचना पर नानकपत्ता थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और किसानों को समझा बुझा कर शांत कराया गया। जैसे माल गीले आ रहे हैं तो उनपे थोड़ी सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि बारिश की वजह से माल जो है कहीं ना कहीं गीले हो जा रहे हैं, कहीं दागी हो जा रहे हैं, और राइस मिलर भी जो है कहीं ना कहीं वो चाह रहा था कि नहीं मैं अच्छा माल लूं, जो हल्का माल है मैं ना लूं, तो इस पे जो है राइस मिलर को भी जो है देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे किसान भाइयों के माल अगर कहीं ख़राब हो गए थोड़े तो राइस मिलर को भी निभाना पड़ेगा।